पिछले कुछ समय से लीकों का बाजार गर्म था कि शाओमी अपना एक नया एयरबड्स लॉन्च करने वाला है, उसका नाम ये होगा, उसके ये फीचर होंगे, उसमें ये चीजें होंगी, लेकिन फाइनली उन सब लीकों पे आज लग गया है फुल स्टॉप, क्योंकि शाओमी ने लॉन्च कर दिया है अपना नया एयरबड्स जिसका नाम है रेडमी एयरबड्स एस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इसी एयरबड्स का अनबॉक्सिंग वीडियो, और साथ ही साथ देंगे आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे कि हम बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको Redmi Earbuds S का अनबॉक्सिंग वीडियो, और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि भैया क्या क्या है इसमें खास। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले एक कुछ बता दें, अभी थोड़े टाइम पहले शाओमी ने एक और अपना टू वायरलेस हैंडसेट मार्केट में लॉन्च किया था जिसका नाम था एयरफोन 2। इन दोनों बॉक्सों की पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो एयरफोन 2 की पैकेजिंग है थोड़ी लंबी चौड़ी है, और इसकी जो पैकेजिंग है रेडमी एयरबड्स इसकी रेक्टेंगल शेप की छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी टाइप की पैकेजिंग है। तो फ्रेंड्स, पैकेजिंग तो यही है, इसके बारे में कंपैरिजन हम कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये बॉक्स को खोलेंगे, अंदर एक तो डिवाइस मिलेगा ही मिलेगा आपको, और उसके अलावा एयर टिप्स मिलेंगे। आप अपने कान के हिसाब से एयर टिप्स यूज कर सकते हैं। आपके तीन इसमें पेयर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिल रहा है यूजर मैनुअल, और इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी केबल नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अब अनबॉक्सिंग के बाद बात कर लेते हैं इस केस की, कि रेक्टेंगल टाइप का केस है जो एकदम कहीं पर भी शार्प एजेस नहीं है, राउंड एजेस हैं जो दिखने में काफी प्यारा लग रहा है। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि इसमें चार्जिंग के लिए आपके पास है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। अगर बॉक्स को देखेंगे, टॉप पे इसमें रेडमी की ब्रांडिंग है, और सामने से ढक्कन आप ओपन कर सकते हैं। लेट ओपन करेंगे तो अंदर दोनों बल्ब आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो केस है दिखने में तो काफी प्यारा लग रहा है, और कैरी भी अच्छे से कर सकते हैं, पर अगर आपने जींस की पॉकेट में डाल के रखा है तो वहां पर एक बल्ज नजर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा खाते पीते घर का केस है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आप इसको पेयर कैसे कर सकते हैं। आप दोनों बड्स को बाहर निकालिए, उसके बाद अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करिए और पेयर ए न्यू डिवाइस क्लिक करिए, और उसके बाद प्रोसेस फॉलो कीजिए। उधर आपको दिख जाएगा रेडमी एयरबड्स एस, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप इस बड्स को यूज करने के लिए हैं तैयार। अब फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बड्स के, जो बड्स का जो डिजाइन है पुराने बड्स जो इन्होंने लॉन्च किए थे उसके कंपेयर में टोटली डिफरेंट है। ये पेबल शेप का डिजाइन है और इसमें वो डंडी टंडी टाइप का कुछ नहीं है इसमें। इसको बेसिकली क्या करना है, आपको कान में इधर साइड में डालना है और हल्का सा घुमा देना है, तो ताकि ये फिट आ जाए कान में। एक तो हमने कर ही लिया, अब दूसरा भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो दोनों बड लग चुके हैं हमारे कान में। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एक और चीज, जो केस है। अगर आप केस को देखेंगे, इस केस में राइट और लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो बड्स है बड्स में लिखा हुआ है कि राइट ईयर का कौन सा, लेफ्ट ईयर का कौन सा, उधर एल और आर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी केस की बात, ये तो हो गया बड्स कैसे लगाना है, लेफ्ट राइट की बात कर ली। तो फ्रेंड्स, आप आपको बताते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक बटन देके रखा हुआ है जिसको दबाने का बड़ा अच्छा फील आता है, आवाज बड़ी अच्छा कट कट करके आवाज आती है, बड़ी प्यारी लगती है। वो दोनों बड्स में यही बटन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉल आ रही है तो एक बार क्लिक कर देंगे तो कॉल रिसीव कर सकते हैं, और अगर कॉल कैंसिल करनी है तो आगे दबा दीजिए, और उसके अलावा अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, एक बार दबाइए प्ले, एक बार दबाइए पॉज। ये इसके बटन के फंक्शंस हैं। और अगर आप चाहते हैं गूगल असिस्टेंट से हाई हेलो करना, तो दो बार टक 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 डबल टैप कर दीजिए, गूगल असिस्टेंट हो जाएगा हाजिर। और गूगल असिस्टेंट से आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, इसका वॉल्यूम कम कर दो। और उसके अलावा गूगल असिस्टेंट से आप दिन भर की खबरें भी पूछ सकते हो, टाइम क्या है, कुछ भी, आपके जो मर्जी है पूछ लीजिए गूगल असिस्टेंट से, आपको किसने रोका है क्या। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी इसकी दो फंक्शनैलिटी। और एक और चीज है, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आप इसमें गेमिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं, तीन बार टैप करके लगातार टक 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 टक। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी इसकी टैपिंग की फंक्शनैलिटी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, कि भैया पहनने में कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, पिछले काफी टाइम से वो डंडे वाले एयरपॉड्स में काफी यूज कर रहा था, तो मैं एकदम यूज्ड हो चुका था,
और जब इसको लगाया तो ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है या पहनने मजा नहीं आ रहा है, एक्चुअली काफी कंफर्टेबल लग रहा था, कोई टेंशन नहीं आ रही थी, अच्छे से यूज हो रहे हैं और मुझे लग रहा था कि जो बेबल शेप वाला डिजाइन है कान के अंदर घुस जाएगा तो ऐसा लगेगा पूरे कान के आगे ना मफलर बांध के रख दिया, पर वैसी फीलिंग नहीं आ रही है, यूज करने में काफी कंफर्टेबल लग रहा है। जबकि मैं ये बता दूं कि अभी तक हमने इसको ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने खाली एक दिन से इसको यूज कर रहा हूं, पर मुझे कोई कठिनाई इसमें नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी ये सोच रहे भैया इतनी सारी रामायण तो सुना दी, भैया इसका प्राइस तो बता दो क्या है, प्राइस के बारे में फ्रेंड्स हमारे पास अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास प्रोडक्ट आया था तब हमें प्राइस नहीं बताया गया था। प्राइस की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो फिर जब मुद्दे की बात कर लेते हैं, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है, कॉलिंग के टाइम पे मुझे कोई भी कठिनाई नहीं हो रही थी, आवाज काफी अच्छी आ रही थी, लाउड एंड क्लियर, और जब मैं किसी से बात करता था मैंने उससे भी पूछा भैया ये क्वालिटी कैसी लग रही है, आवाज ठीक ठाक आ रही है, गूंजने वाली कुछ इफेक्ट आ रही है, तो वो भी कह रहा था नहीं आवाज अच्छी आ रही है कोई टेंशन के बगैर, मैंने कहा वेरी गुड। और फिर अगर म्यूजिक की बात कर ले तो म्यूजिक में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं आ रही थी, और खासकर जो भंगड़ा टाइप के सॉन्ग होते ना एकदम ढिंचाक वाले, वो ज्यादा मजा आ रहा था सुनने में, और मूवी वूवीज देखने में भी जो थोड़ी देर मैंने चेक करने के लिए उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स एक और चीज यहां पर बता दें कि ये जो बटन इसमें देखे रखा हुआ है ना टक टक वाला बटन, ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है वो टच वाले रिस्पॉन्सेस का, क्योंकि जितने भी टच वाले रिस्पॉन्सेस वाले टू वायरलेस यूज किए बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो टच रजिस्टर नहीं होता है या ऐसा लगता है कहां पर गया क्यों नहीं हो रहा है, इस मामले में बड़ा क्लियर है, दबाया आवाज आई टक यानी कि रिस्पॉन्स हो गया रजिस्टर। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ इसके फीचर्स की, कंपनी का कहना है ये IPX4 रेटिंग के साथ आता है यानी कि स्वेट प्रूफ है, यानी कि अगर तो पसीना वसीना भी आ रहा होगा तो उससे ये खराब नहीं होगा, आप आराम से अपने काम पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप जिम में होंगे या आजकल जैसी तपती धूप निकल रही है इसमें भी आप निकलेंगे पसीना निकल रहा होगा कोई टेंशन नहीं होगा, और कंपनी का दावा ये भी है कि आपको 12 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। दावा सही है कि गलत है इसके बारे में अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी तक इसको अच्छे से यूज नहीं किया है, जैसे आप पहले बता चुका हूं खाली एक दिन से यूज कर रहा हूं, इस टाइम पे फालतू में क्या बोल रहे हैं कि भैया अच्छा आउटपुट आ रहा है, थोड़ा यूज कर लेते हैं, जैसे ही हमें इसका बैटरी का टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना आउटपुट हो रहा है वो अगले वीडियो में, और खासकर जब कंपैरिजन कर रहे होंगे इसका हमने स्टार्ट बोला था ना कंपैरिजन करेंगे मी वाले एयरफोन्स 2 के साथ, उसमें हम बता देंगे आपको कि बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो फ्रेंड्स फाइनली इसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है हमारे हिसाब से ये है कि कंपनी ने इस बड्स की कॉस्ट को कम करने के लिए इसमें दो चीजें की हैं, एक इसमें फिजिकल बटन दिया है, टच बटन नहीं दिया है, और उसके अलावा इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है, टाइप सी पोर्ट नहीं दिया है, तो अच्छी बात है, मुझे वैसे बटन ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन साउंड की बात कर लें, क्वालिटी की बात कर लें, वॉइस कॉल काफी अच्छी आ रही है, म्यूजिक में भी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है, ओवरऑल बड्स अच्छे हैं, कंफर्टेबल है कान में पहनने के लिए, अब बस यही देखना है कि मार्केट में इनको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, क्योंकि थोड़े दिनों में ही एक और बड्स आपके पास आ जाएंगे रियलमी के न्यू बड्स A2, वो भी इसी प्राइस रेंज में होने की उम्मीद है, जिस प्राइस रेंज में ये आएंगे और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फीचर्स के साथ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।